कल्याणी मामी और दीपा मामी की एक सब करामत है। माई आप अभी सबको खिलाओ, मामा को मामी को। गोलू मामा खाओ गोल बेटा। नहीं 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 मैं अभी वो उस कंडीशन में नहीं है, थोड़ा सा मान रख लेंगे आपका। गोली मामी ले खाऊंगा। गोली गोलीगत गोलीगत को खिलाओ, गोलीगत को खिलाओ, गोलीगत को खिलाओ, मुन्ना मामी को, कुल्ला मुन्ना मामी को, कल्लू मामी, कल्लू मामी को खिलाओ। यार आफ्टर बिफोर दिख रहा है, मुन्नी मामी को खिलाओ, मुन्नी मामी को। देखो आफ्टर बिफोर दिख रहा है, देखो दोनों सावले सावले हो गए। अभी जो आपने देखा वो पहले दिन का 12 बजे का सेलिब्रेशन था, रात के 12 बजे का, और ये नेक्स्ट डे शाम को कल्याणी और दीपाली मिलके सब कुछ कर रही है। कल्याणी ने मार्केट में जाके ये सारी चीज़ें लाई, जैसे कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए और नूडल्स बनाने के लिए। वैसे हमारा पहले डिसाइड हो गया था कि हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर सेलिब्रेट करेंगे, मतलब कोई होटल वगैरह जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर ही केक वगैरह कट करेंगे, सबके साथ फैमिली डिनर करेंगे और फिर उसके बाद घर चले आएंगे। बट किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से घर पे सेलिब्रेट करना पड़ा माही का बर्थडे। इस बार पहली बार हुआ है कि मैं मायके में माही का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। इससे पहले बहुत छोटी थी वो, उस टाइम सेलिब्रेट किया था एक बार हम लोग छुट्टी आए थे, तो उसके बाद जब वो बड़ी हो गई है तब पहली बार कर रहा है। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाके रखी है कल्याणी ने, सब कुछ लेके आई थी वो मार्केट जाके, और फिर यहाँ पर उसने केक भी लाया है। और हाँ, इस दिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मतलब माही के बर्थडे के दिन इतना बुरा लग रहा था। एक्चुअली पहले दिन उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसके बाद सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और जिस दिन माही का बर्थडे था उस दिन वो नीचे भी नहीं आ पाए, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसी वजह से दीपाली ने घर पर फिर वो बनाया, क्या बोलते हैं, खिचड़ी वगैरह बनाई भाई के लिए और उनके लिए, और वो उन्हीं के चक्कर में थी, मतलब उनको खिलाने पिलाने के चक्कर में। हैप्पी बर्थडे माही, थैंक यू। यहाँ पर ये सब कुछ बनाने की तैयारियाँ चल रही है। एक्चुअली दीपाली खिचड़ी वगैरह दीपाली ने बनाई थी, तो वही वो प्लेट्स में निकाल रही है इनके लिए और मेरे छोटे भाई के लिए। और कल्याणी यहाँ पर तैयारियाँ कर रही है, मतलब कैप्सिकम और वो क्या क्या काट रही है सब कुछ, तो वो तैयारियाँ कल्याणी की चल रही है। सब कुछ कल्याणी ने ये सब कुछ बनाया था और दीपाली ने उनका देखा था। एक्चुअली हमें उसका दिल नहीं दुखाना था माही का, इसी वजह से हम लोग ये सारी तैयारियाँ कर रहे थे। और बस यहाँ पर बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है कल्याणी ने, और उसके बाद ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद नूडल्स बॉईल कर लेगी और उसके बाद उसे तड़का देगी। तो यहाँ पर कैप्सिकम काट रही है, यहाँ पर उसने दीपाली ने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है और वही चल रहा है, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, अभी उसे उधर डेकोरेशन होगा।
एक्चुअली पहले डिसाइडेड था ना कि हम बाहर जाएंगे, इसी वजह से फिर डेकोरेशन का कुछ भी सामान नहीं लाया था। और कल्याणी भी बाहर मार्केट में गई थी तो डेकोरेशन का सामान लाना भूल गई थी वो, इसी वजह से जो भी बलून्स वगैरह थे घर पे तो थोड़े से वो फुलाए थे, उसके बाद वो भी बाद में अद्विक ने फोड़ दिए थे। यहाँ पर मेमोरी खत्म हो गई थी तो इसी वजह से वो डाटा जो है वो भाई ने लैपटॉप में ले लिया था। और उसके बाद मम्मी यहाँ पर चॉप करके दे रही है इसके लिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पर हो रही है नूडल्स बनाने की तैयारी, तो नूडल्स बनाने के लिए बॉईल हो गया था पानी, उसके बाद वो स्टिक जो है नूडल्स के वो डाल रही है और उसके बाद उसे बॉईल कर लेगी और उसके बाद तड़का लगाएगी। और यहाँ पर उसने ये लाए थे स्वीट कॉर्न्स, मतलब ये फ्रोज़न है इसी वजह से इसे बॉईल कर लेगी और उसके बाद पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए ये काम में आ जाएगा। और ये दोनों भी पेशेंट ऊपर थे तो इसी वजह से इन दोनों के लिए ऊपर खाना लाया था दीपाली ने। और देखो खिचड़ी थोड़ी सी ही लाई थी, उसमें से भी थोड़ी सी खाई इन्होंने और उसके बाद पूरी झूठी रख दी। और यहाँ पर देखिए इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, उसको लग रहा है कि ये शूट क्यों कर रही है। बट वहाँ पर वो दवाइयाँ ले रहे थे और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उनकी कि वो नीचे भी नहीं आ पाए, उनको केक खिलाने के लिए ऊपर आना पड़ा माही को बाद में। और यहाँ पर वो बस टैबलेट ले लेंगे उसके बाद थोड़ी देर सो जाएंगे क्योंकि उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी उनके। एक्चुअली यहाँ पर दो दिन तो यहाँ पर ही हम लोग रहे, उसके बाद हम लोग घर पे जब गए ना तो उनकी हम लोगों ने ब्लड टेस्ट की तो ब्लड टेस्ट में उनके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, वाइट प्लेटलेट्स, तो इसी वजह से उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया लेना और उसके बाद फिर उनके प्लेटलेट्स कवर हो गए। तो ये चीज़ें हुई थी। बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मतलब बहुत लेट किया है मैंने वीडियोज़ वगैरह डालना और ये सब कुछ, बट बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हमें इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। कुछ लोगों को लगा होगा कि भाभी की पहली संक्रांत का वीडियो अब अपलोड किया है मैंने इसी वजह से, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा हम लोगों के ख़राब हो गई थी इनकी वजह से, फिर मेरा हो गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े थे, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मन नहीं कर रहा था कुछ शूट करने का, तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा हो गया कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं तो हमारे पास रहते तो मम्मी को मैंने बुला लिया था, मम्मी के पास ही बच्चे रहते थे, तो उसके बाद फिर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं तो हम दोनों भी हमारी दोनों की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो इनके प्लेटलेट्स बाद में कवर हो गए बट मेरी तबीयत ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद फिर मेरा वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब एनर्जी नहीं लग रही थी मुझे में, तो इसी वजह से बाद में फिर मैंने एडिट करना स्टार्ट कर दिया, बट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया तो फिर अच्छा लगने लगा। मतलब जैसे कि आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझ में ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है और थोड़ी सी एनर्जी भी आती है जैसे कि आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ने की वजह से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कमेंट्स किया करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर सब कुछ तैयारियाँ ही चल रही है, माही बहुत ज़्यादा खुश है बट उसके बाद वो रोई, मतलब आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जब वो उसके पापा को केक खिलाने गई ना उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसके पापा को पकड़ के रोई क्योंकि उसने उसके पापा को ऐसे देखा ही नहीं था कभी, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत कभी ख़राब हुई नहीं, इसी वजह से हमने कभी ऐसे देखा ही नहीं उन्हें, इतनी ज़्यादा गलावट आ गई थी उनमें और इतने ज़्यादा थक गए थे वो। बच्ची बर्थडे के दिन रोई ना तो इतना ख़राब लग रहा था, मुझे भी ख़राब लग रहा था, मैं तो ऊपर गई ही नहीं। उसके बाद मेरी मम्मी भी इतना रो रही थी उसको देख देख के, तो मतलब मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था, मैं ऊपर गई ही नहीं, मुझे बताने के लिए आई ये सब, बट मैं मेरा मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऊपर जाने की, तो इसी वजह से ये सब कुछ मतलब उसके बर्थडे के दिन हुआ, इसी वजह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बट क्या कर सकते हैं यार, बच्चों का मन भी रखना पड़ता है, इसी वजह से हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया उसका, पहले तो अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया बट वो जब रोई ना तो उसके बाद मतलब किसी का मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। माही वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, आपको इतने सारे कमेंट्स आए कम्युनिटी पे, सब लोगों ने विश किया, उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? अभी आप देख रहे होंगे उसके फेस पे नकली स्माइल है, वो मतलब हंस भी नहीं पा रही है खुल के। और उसके बाद अभी यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, मतलब उसको अच्छा भी लग रहा था अंदर से और बुरा भी लग रहा था, तो स्माइल देखो आप उसकी, सिर्फ स्माइल देखना, बिल्कुल नकली नकली स्माइल दे रही है वो, थोड़ी ही देर में स्माइल दे रही है और थोड़ी देर में एकदम शांत से बैठ जा रही है। तो एकदम से यहाँ पर फोटो सेशन हो रहा था उसका, हम लोग उसको बार बार स्माइल देने के लिए बोल रहे थे और नकली स्माइल दे रही थी वो। Prepare to die.
जेवण झालं भाई का पुनः से वीडियो कॉल आया था तो वो वही उससे बात कर रही थी और उसके बाद वो केक कट करेंगी तो वही लाइव देखेगा वो अभी तब तक उसका कॉल चलता ही रहेगा। बस यहाँ पर ऑक्शन चल रहा है, मेरा ऑक्शन हो गया है, बस वही चल रहा है। अभी मम्मी ऑक्शन करेगी, माही की मामियाँ ऑक्शन करेगी और अभी भी भाई का वीडियो कॉल चल ही रहा है, वो लाइव देख रहा है जो कुछ चल रहा है वो, क्योंकि वो अकेला ही था ना वहाँ पे तो इसी वजह से उसका मन नहीं लग रहा था। और बस ड्यूटी से आया उसके बाद उसने फ्रेश वगैरह होने के बाद कॉल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो उल्टा इसी वजह से दिख रहा था कि उसने आड़ा किया था इसी वजह से, और वो देख रहा था लाइव क्या क्या हो रहा है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था वहाँ पे क्योंकि कल्याणी हमारे साथ आ गई थी और वहाँ पर उसका टाइम पास भी नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पर सब लोग आ गए थे, भाई देखो आप कैसा उसका फेस बना के बैठा है वहाँ पे, क्योंकि उसके मुंह में पूरे छाले आ गए थे और हीट की वजह से बोल सकते हो या पता नहीं यार क्या हो गया था, पूरे छाले उसके मुँह में आ गए थे, उसका मुँह भी नहीं खुल रहा था। तो ऐसे प्रॉब्लम थे माही के बर्थडे के दिन, बट फिर भी अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने उसका बर्थडे, उसको पता भी नहीं चलने दिया, बट फिर भी लास्ट टाइम में वो बहुत ज़्यादा रोई, उसके खुद के बर्थडे के दिन वो इतनी ज़्यादा रोई फूट फूट के कि आपको क्या बताओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पर वही केक वगैरह कट करेगी, ऑक्शन वगैरह होगा, सब लोग जो भी घर में हैं वो सब उसका ऑक्शन करेंगे और उसके बाद माही केक कट करेंगी। हाँ माही कट कर। अद्विक केक खाना। Mara.
गे लवकर घे ना अधिक अधिकारी इकडे इकडे लागले का अरे घे लवकर घे जाऊ दे सोड नाट कर चौमिन बस यहाँ पर चौमिन बन गए थे, पिज़्ज़ा बना रही थी कल्याणी और उसके बाद यहाँ पर सब लोग खा भी रहे थे, जो जो बने हुए हैं वो सब लोग खा रहे थे। पहले माही को भी दे दिया वहाँ पे, मम्मी पापा को दे दिया, उसके बाद यहाँ पर चल ही रहा था और बस मम्मी वगैरह खा के आ ही गई है। सब कुछ बन जाने के बाद हम लोग भी खा लेंगे सब और... तो गाइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से माही का मूड थोड़ा ख़राब है। एक्चुअली होता है यार, मतलब पापा की तबीयत ख़राब है उसके और वो यहाँ पर नीचे भी नहीं आ पाए, इस वजह से उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है माही का। कोई बात नहीं, वो गई है उसके पापा के पास अभी बैठने के लिए। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, उसको कुछ करने की बहुत कोशिश की हमने बट कुछ नहीं हो पाई, वो इतना मतलब जितना हम लोग चाहते थे उतना कुछ नहीं हो पाई। हम लोगों ने पहले सोचा था कि बाहर जाएंगे उसको लेके होटल वगैरह में और उसके बाद वहाँ पर केक कट करेंगे और वहाँ पर जो भी होगा बाहर ही करेंगे, बट इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से और छोटे भाई की भी तबीयत ख़राब थी, छोटे भाई की तबीयत तो दो तीन दिन से ही ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, बट आज थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब दोपहर में अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा चलो बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं माही का। और आज मैंने एडिट भी किया एक वीडियो और अपलोड भी किया है, आपने देखा ही होगा ट्रिप डे वन का, और वो वीडियो अपलोड किया, मतलब इतने दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही थी, बट आज मैंने वीडियो एडिट किया दोपहर में, तबीयत ठीक लगी इसी वजह से और उसके बाद मैंने अपलोड भी किया वो। और उसके बाद हमारा प्लान भी बना था कि बाहर जाएंगे बट अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद फिर हमारा प्लान जो है बाहर जाने का हमने कैंसिल कर दिया। पापा बोल रहे थे कि घर पे ही बनाओ जो भी बनाना है, तो क्योंकि मुझे माही का मूड ख़राब नहीं करना था, मतलब अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करना था उसका, उसका मूड नहीं ख़राब होना चाहिए, इसी वजह से हम लोगों ने ये सब कुछ किया। बट उसका मूड फिर भी हो ही गया बाद में, क्योंकि वो नहीं नीचे आ पाए, उनको इतना फीवर है कि उनसे चलना भी नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो नीचे भी नहीं आ पाए उसका बर्थडे केक कट करने के टाइम पे, तो इसीलिए उसको बुरा लग रहा था माही को, इसलिए ना थोड़ा सा वो नाराज़ थे। बट कोई बात नहीं यार, जाने दो, होता है, ठीक हो जाएंगे। आज वो हॉस्पिटल भी गए थे सुबह और मतलब दोपहर में गए थे हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद टैबलेट वगैरह भी लाई, टैबलेट लाने के बाद सो गए थे वो और फीवर चढ़ गया उन्हें, और फिर उसके बाद हम लोगों को लगा कि टैबलेट वगैरह लेने के बाद उनको अच्छा लगेगा, तो वो नहीं हो पाया और फीवर उनको चढ़ गया, तो वो अभी भी टैबलेट लेके सो रहे हैं। वो गई है उनके पास थोड़ा सा बैठने के लिए, उनसे बातें बातें करने के लिए। चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।